ओलंपिक गेम्स अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में सबसे आगे हैं, जिनमें समर और विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसमें दुनिया भर के हजारों एथलीट विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो चलिए जानते हैं दुनिया के पहले ओलंपिक मेडल विनर के बारे में। दुनिया का पहला ओलंपिक मेडल अमेरिकन एथलीट और ऑथर जेम्स बी कोनोली ने जीता था। कोनोली का जन्म मैसाचुसेट्स के एक गरीब परिवार में हुआ था। ये जॉन कोनोली और एन ओडोनल के 12 बच्चों में से एक थे। 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्माण के बाद ओलंपिक खेलों का पहला मॉडर्न एडिशन ग्रीस के एथेंस शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। कोनोली ने भाग लेने का फैसला किया। इटली के शहर नेपल्स में पहुंचने के बाद उसे लूट लिया गया और एथेंस के लिए उसका टिकट लगभग खो गया। लुटेरे का पीछा करने के बाद आखिर वह टिकट हासिल करने में कामयाब रहा। अंत में वह ट्रेन से एथेंस के लिए रवाना हुआ और गेम्स में भाग लेने के लिए ठीक समय पर वहां पहुंचा। उद्घाटन के दिन ही पहला फाइनल ट्रिपल जंप का था, जिसे उस वक्त हॉप, स्किप और जंप के रूप में जाना जाता था। इस खेल में कोनोली ने भी भाग लिया था। अपने कंपेटिटर से 1 मीटर लंबी छलांग लगाकर कोनोली ने पहला सिल्वर मेडल हासिल किया। तब गोल्ड मेडल नहीं होता था। पहला मेडल हासिल करने के बाद कोनोली ने पेरिस में आयोजित मॉडर्न ओलंपिक के दूसरे एडिशन में भी हिस्सा लिया, लेकिन इस बार ट्रिपल जंप में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई और वह मेयर प्रिंसटन से बाजी हार गए। 1984 में NBC की एक मिनी सीरीज द फर्स्ट ओलंपिक एथेंस 1896 में कोनोली का रोल डेविड कारुसो द्वारा किया गया था। म्यूनिक में कोनोली स्ट्रेश नाम से एक स्ट्रीट है, जिसका नाम कोनोली के सम्मान में रखा गया है, और ये स्ट्रीट 1972 के समर ओलंपिक के म्यूनिक मैसेकर की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।